क्यों नहीं देखा भाई। मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं भी नहीं फॉलो कर रहा, बट मैं रील्स फॉलो कर रहा हूँ, वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ जो जो आ रही है थोड़ी थोड़ी निकल के बिग बॉस 17 की, ये ऐसा है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज दिन की शुरुआत भाई बहुत तगड़ी हुई है अपनी। दिन की शुरुआत तो वैसे दोपहर में हुई है, तो मैं सूरज दिखा दूँ, मैं बड़ा मस्त लग रहा भाई यहाँ से। थोड़े थोड़े बादल है तो पॉल्यूशन ही, और उसके पीछे हमारे सूर्यदेव देखा, ये देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है। मतलब ऐसे तुम बालकनी में खड़े हो ऐसे हाथ रख के, और फिर तुम ऊपर देखो और ये नज़ारा है तुम्हें, वाह। थोड़ी शाम हो रही है बट इट्स वर्थ वॉचिंग, इंग्लिश बोल दी दो तीन वर्ड। तो आज के दिन की भाई अपनी प्रतिक्रिया या क्या कहते हैं कार्यक्रम हमारा आज का ऐसा है कि अभी एक बार मैं नहाऊंगा, खाना कूना खा लूँ। मैंने खाना खाली पेट रह रहा है ना, तुम्हारे मेरे पास ना पेट निकल गया था बीच में, तुमने देखा हो ना बिग बॉस के टाइम पे, बिग बॉस से थोड़े टाइम पहले ना मेरा पेट निकल गया यार, मेरा पेट निकल गया क्योंकि मैं इतना आलसी हो गया भाई, जिम विम छोड़ दी बैक के चक्कर में, जिम छोड़ दी और पड़े रहने लग गया, खाना खूना ज़्यादा खाने लग गया, डाइट पे कोई कंट्रोल नहीं कुछ नहीं भाई, माँ की कसम खा के कर रहा। देखो इसमें क्या शर्माना, देखो मैं एक बार फ़ोन रखता हूँ, इधर फ़ोन रख रहा हूँ मैं। ए ये तो पूजा भट्ट का शॉल है, ये मेरे साथ ही रहता, ये बिग बॉस में भी मेरे साथ था, कल पापा को दे देता, पापा खुश हो जाता। तो भाई माँ कसम मेरा पेट निकल रहा था। और अब तुमने एक चीज़ देखी होगी, मेरा फेस जो है फेस भी पहले से पतला हो गया, ऑल्दो टेंशन है वो अलग चीज़ है, पर ये देखो फेस पतला हुआ और ये दिखा देख रहा है इतना, तो जीरो पेट भाई, जीरो फैट भाई, मतलब जीरो फैट तो नहीं बट पेट ख़त्म। तो घर वाले बड़े नुके करते हो ना पेटला होगा है, शरीर पर ध्यान ना देवे, अब देखो स्लिम ट्रिम हो रहा तुम्हारा भाई। अभी दोबारा थोड़े टाइम में जिम शुरू करूँगा, हल्की फुल्की। पिंपल कैसा हो गया, होते रहे छोटे मोटे, शेरों का पिंपल के बोला है, समझ रहे हो गए। आ भाई तू कहाँ हंड रहा है यार, अच्छा सामान लेके आ भाई खाने खुने का। मैं कह रहा हूँ तूने उस टाइम पर देखा था जब मेरा थोड़ा सा पेट निकल गया था, थोड़ा सा तो नहीं काफ़ी पेट निकल गया था, बता दियो भाई हमारे कैमरे में कितना पेट निकल गया था। बहुत ज़्यादा है ना, अब तो बहुत कम है, अब तो अब तो फेस फैट सब खत्म हो गया भाई, मस्त जिंदगी चल रही है। खाना तूने खा लिया ना, खाया अभी आ जा खा ले भाई, हो तो ठंड रही है पर तुम्हारा भाई आधी टी शर्ट में घूम रहा, तो एक काम कर गाड़ी लिया नीचे ना, मेरी हुडी आ रखी है, सिस्टम क्लोथिंग का एक नया डिज़ाइन आया जो पहले मैं अपने लिए मंगाता हूँ, फिर मैं टेस्टिंग करता हूँ कि बढ़िया है या नहीं, उसके बाद वो साइट पे जाता है। तो अभी दिखाते हैं। और भाई ठीक हो भाई तुम? हम तो ठीक ही रहते हैं भैया। हुडी होगी मेरी एक यहाँ पे ना, इसके अंदर है भाई हुडी, इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई हमारी सोसाइटी की, नुकारा नहीं दूंगा। हमें कह रहे एक मस्त चीज़ दिखाऊँ, ये देखो ये हुआ गाड़ी 20 इंची भैया, नंबर एक नंबर है भैया, जगह इसमें रखने की भैया, भैया अनलॉक करना भैया, क्या क्या सामान धरा इसमें। अभी हुडी अनबॉक्सिंग करेंगे घर जाके, फिर अभी कैसे हो भैया, ठीक हो? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, चल भाई भाई नया स्टॉक आगा हमारा, तो हमारा हुडीज का नया स्टॉक आगा भाई, इस बार रंग बिरंगे कलर भी हैं भाई, और इस बार तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं। दिखा दूँ क्या, अभी नहीं दिखा रहा, बस ये समझ लो कलर ये भी है, कलर ये भी है, ये तो अपने पुराना सिस्टम वाला है, अपने श्री राम जी वाला भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, नई तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं मोटे। और जो मैंने पहन रखा है एक बार दिखा दी मैंने क्या पहन रखा है इस टाइम ले, तूने तो बदमाश पहन रखा सिस्टम क्लोथिंग, हमने पहन रखा भाई सनातनी, प्राउड टू बी अ सनातनी, ये भी हमने बहुत प्राउडली पहन रखी है। और सिस्टम क्लोथिंग का जो पुराना स्टॉक है भाई अभी खत्म होने वाला है, जिसको नहीं पता system.com पे जाओ और Elvis20 यूज करोगे तो तुम्हें मिलेगा 20% ऑफ भाई दिवाली सेल, ये भैया दूस तक की लिमिटेड है, और क्या पता और भी नई नई स्कीमें निकाल दूं मैं, तो जाना system.com पे भाई, ये ना लिंक मेरा पेस्ट नहीं हो पा रहा कहीं पे इंस्टाग्राम पे, तो SYSTUMM.com स्क्रीन पे भी लिखा होगा, वो तुम्हें टाइप करना है अपने गूगल पे, सबसे ऊपर जाकर system.com पे खरीद लेना सामान सौदा बढ़िया। और ये वाली भी आएगी बहुत जल्दी, अभी अभी रिलीज नहीं हुई, कभी तुम सोचो ये वाली कहाँ मिलेगी, बहुत सारे लोग पूछेंगे, अभी नहीं मिलेगी। कैसा लग रहा हूँ मैं, मम्मी कैसा लग रहा हूँ मैं बताओ, हमेशा अच्छा लगेगा। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच मोटूस, थैंक यू सो मच। ये मेरा परफ्यूम का कलेक्शन दिखा दे भाई, परफ्यूम का कलेक्शन और भी है वैसे मेरे पे, बट स्टिल
एक ये वाली श्रीराम जी वाली पहन के दिखाऊं। आगे से ऐसी है, पीछे से हमारे राम जी छपे हुए हैं। बहुत प्यारा प्रिंट, बहुत प्यारा, नहीं हटेगा ये हटेगा भी नहीं। कितना धो लो कितना लो, कपड़ा एक नंबर, एक लेवल अपग्रेड, और रेट उतना ही, रेट नहीं बढ़ाया हम लोगों ने, क्या पता कम भी कर दे, गॉड नोज। दिवाली सेल या फिर विंटर सेल कुछ भी हो सकता है। और क्या क्या है, सारे डिजाइन दिखाऊँ ना दिखाऊँ, अभी सारे डिजाइन अभी तो नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाएंगे सारे डिजाइन गाइस हैं। अभी ये देख लो, अभी ये पहन रखा है तो इसकी सेल बढ़ा देना जब भी ये रिलीज हो, क्या पता कल रिलीज हो या फिर अगले हफ्ते। सी यू सून ऑन system.com, सिस्टम क्लोदिंग एलविस भाई की तुम्हारे की। चल भाई मोटे खाने का दे दे कुछ, मेरा भाषण बहुत सुन लिया, चल आ जा भाई। इस पजामे ढूंढ ढूंढ मैं बावड़ी होगी, तो ना पहनना आयो। चलो भाई आओ, हमें और प्रोजेक्ट्स के लिए काफी चीजें, हम पे पूजा भट्ट वाला शॉल पहन लेता हूँ। भाई कौन बैठ गया है शॉल के ऊपर, पूजा भट्ट के शॉल के ऊपर बैठेगा तू? मैं अब याद आ गई मैं बैठी थी उधर। पूजा भट्ट के सोल के बारे में कोई कुछ नहीं कह देगा, दिस इज माइन, और पापा का भी मान लो कोई चिड़गी मम्मी चिड़ा है क्या पूजा भट्ट से, मुझे तो लगे चिड़ती होगी। कैसा लग रहा हूँ मैं, ए दिखाऊँ कैसा लग रहा हूँ, मेरे से पता नहीं लग पा रहा, बट सही लग रहा हूँ मैं। मम्मा भाई ये बदमाश है, ये मेरे पे 15 पीस रह रहे हैं कुल, जाके साइट पर खरीद मारो। बटे तो जैसे लेडीज में पहन सके हैं, मैं ब्लैक में बेच दूंगा, कोई भी पहन सके। और दिखाऊं ये भी कलर है भाई मेरे पास ना, ये भी कलर है अपने पास, इस पर क्या छप रहा, ये तो अपना सिस्टम का अलग है, दिस इज ऑल्सो रियली नाइस, ये भी अच्छा है, सब अच्छा है यार, बुरा क्या है हम पे, इसमें क्या है। एक गिफ्ट में ये भी आई है, वाइन, वाइन इज गुड फॉर स्किन, पीते हो आप वाइन? ये काम रह गए के ओ मोटे, ऐसा मत बोला कर भाई, प्रोटीन वोटीन डिब्बे, मैं तो अपने जिम शुरू करूँगा दोबारा से, अब ज़्यादा बढ़िया लगे, पता लगेगी कैसा लग रहा हूँ मैं। ये अभी फ्रंट कैमरे से शूट हो रहा है इसलिए उल्टा दिख रहा होगा, बट अपने तिलक लगा के, अपने पूजा करके, अपनी मम्मी के दौरे आके, मोटे कैसा परेशान रहा, कितनी पतली होगी देखियो, कितना मोटू सा बेटा, कितना मोटू सा छोड़ गया था, देख कितनी पतली होगी, कमजोर तो होगी, समझ गया होगी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मेरी मम्मी बड़ी परेशान हुआ है भाई, मोटा बहुत परेशान हुआ था, इट्स ओके, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ यू नो, लाइफ यूं ही तो है, यूं यूं चलेगी तो मज़ा नहीं आया, लाइफ चलनी चाहिए यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर, फिर और ऊपर। ये मेरे बिग बॉस का काला घोड़ा, फेंको इसको फेंको इसको 8.5 लाख को, ये तो ग्रोथ कम हुआ है, काला घोड़ा ग्रोथ होता जोड़े में नहीं है ना, पर ये दो जोड़े थे कि ये, अरे मुझे ये तो चार देखे हैं, एक ऐसे सफेद और एक काला, चार थे ना, 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 काले का जोड़ा ब्लू ब्लू भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था, अलग अलग कलर के चार थे ये, तो उनने कहा बांध के लाऊं अब मांग ले कोई होस्ट है आप मेरे, आपने आपने मेरा सामान पैक करा, वो बात तो ठीक है, नुगा फिर एक दे दो भाई जोड़ा ना बनाना, किस तक कहूं, बिग बॉस वाला होता है, बिग बॉस वाले का घर टूट ना, फिर वापस दे दो नुगा, फिर तो खराब ही रख लो, मार के दूसरी चीज दे दो, इस गोल्डन गाड़ी हमें 5.5 जाके चले भाई, आओ भाई सामान पैक कर दे, हूं मैं आपने ना भाई, या तो इस घोड़े ने वापस दे या एक उनका वापस लेगा बिग बॉस से, और चलो एक काम करते हैं, फरियाद करवा, ठीक है मैं घोड़ा वापस लेके आता हूं, एक नया घोड़ा लाते हैं मम्मा के लिए, कूल या फिर बाहर देखने या खरीद ला, अकेला है, आपने सामान पैक किया, ये किसका सामान है, ये तो वंश की टी-शर्ट है, वंश के 3 टी-शर्ट, और ये वाला लोअर, ये लोअर का, चलो ठीक है यार मम्मा, ये सफेद भाई, ये मेरे बिग बॉस वाला सामान मेरे को नहीं चाहिए भाई, पुराना हो गया, कौन सा बिग बॉस, बिग बॉस चला गया, मेरे कपड़े क्यों नहीं फेंके तुमने, बिग बॉस वाला, कौन से बिग बॉस वाले, ये वाला लोअर मम्मा, अच्छी हाँ फेंकू मैं तो ना फेंकू कोई चीज, रखे रहने दो फिर, चलो पैक कर दिया, चले भाई दोस्त आओ, तू भी चलेगा, तुझे मेडम घुमा के लाता हूँ, आ जा मैं कह रहा हूँ, बिग बॉस 17 देख रहे हो आप भाई, बिग बॉस 17 तो मैं भी नहीं देख रहा, बट प्रोग्राम होगा 8 बजे, अरे हाँ तो किस चीज़ पे होगा, टेम्पटेशन आइलैंड जियो सिनेमा पे, देख लेना जाके भाई, एक चीज़ मैंने देखी यार, एक चीज़ मेरे को पता लगी, इधर आओ मम्मा, एक चीज़ डिस्कस करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, नहीं आ रहा कोई, साड़ा कोई ध्यान नहीं देता मेरे पे, माँ कसम मेरे घर कोई इज्जत नहीं, मेरे घर पे मेरी सब लोग नफरत करते हैं, अब देखो मम्मा मम्मा आना, देखो कोई नहीं सुन रहा, मम्मी आना, देखो कोई सुनता ही नहीं मेरी, मम्मा क्यों बोल रहा है, आ रही माँ बन
कोई नहीं सुनता मेरी, कोई नहीं सुनता। क्या सुना पता? मम्मा 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 पता। मैं कह रहा हूँ बिग बॉस 17 आप देख रहे हो हैं क्या है? अरे बता ना, देख रही ना? देख रही मैं ना देख नहीं देख रही, कोई बात नहीं। तुम जिंदगी में कभी देखा ही ना? कोई बात नहीं, मेरे अलावा कोई। हां जब तू आ गया था ना, बस जब देखा मैंने अपना वाला भी नहीं देखा भाई। मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं भी नहीं फॉलो कर रहा, बट मैं रील्स फॉलो कर रहा हूँ, वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ, जो जो आ रही है थोड़ी थोड़ी निकल के बिग बॉस 17 की, ये ऐसा ये ऐसा है। तो उसमें मैंने एक चीज देखी कि UK07 जो अपना भाई अनुराग, मैं वो नहीं कर रहा किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। देखो सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सब अपने हिसाब से खेलते हैं, जो पसंद आता है पब्लिक को, पब्लिक उसको वोट करती है। बट एक चीज जो मुझे खराब लग रही है ना भाई, सारा जमाना ही अगेंस्ट हो गया उसके। मतलब एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई वो कुछ भी बोले जोकर का फेस लगा दिया। ये गलत लगा, मैं भी देखी थी रील वगैरह, दुखा है मुझे। ये फन के लिए ठीक है कि भाई फन मजाक उड़ा दिया, वो जोकर लगा दिया लगा दिया, बट भाई है तो मजाक ही बना दिया छोरे का, बिल्कुल है तो इंसान ही भाई वो भी। मान लो तुम्हारे साथ एक एक छोटी चीज रखना, तुम उसकी जगह हो जाओ, मान लो तुम अच्छा भी कर रहे हो। एक आदमी सिर्फ गलत नहीं होता भाई, कि सिर्फ ही गलत है भाई, वो दिख रहा वो सिर्फ गलत कर रहा है, सिर्फ गलती कर रहा है, ऐसा नहीं होता भाई। वो कुछ अच्छी चीज भी कर रहा होगा, मैं नहीं देख पा रहा, मैं भी अच्छी चीज भी कर रहा हूँ। उस चीज को ना दिखा के तुम मजाक के चक्कर में भाई किसी को डिप्रेशन में ला दोगे भाई, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन। से बाहर आके देखेगा तो कितना परेशान है, बाहर आएगा वो कभी तो आएगा यार, बिग बॉस कभी तो खत्म हो, बाहर आके देखेगा भाई जो नैरेटिव चला रखा है, चाहे जिन लोगों ने भी चला रखा है, जो भी चल रहा है, चाहे वो जो भी कर रहा हो अंदर, उसकी वो मीम बना के जोकर वाला वो लगा के, वो फन के लिए ठीक है, हंस दिया, ओ वाह मजाक उड़ा दे मजाक उड़ा दे, बट भाई सही नहीं है यार। मैं ये सब नहीं कह रहा कि भाई ये सब मत करो, ये किसी ने वो ऐसा जी सही है वो है। मैं बस अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ भाई, बाकी मर्जी तुम्हारी, तुम्हें मजाक उड़ाना तुम्हारे उड़ाओ, बट एक बारी ना अपने आप को उसकी जगह रख के सोचना कि कोई तुम्हारे साथ इतना मजाक उड़ाए। ऑनलाइन ऑनलाइन सब लोग जानते हो, हर आदमी जोकर 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 ये गाने के ऊपर कमेंट, और ये गाना भाई ये ऑन करता है, सारे जोकर के इमोजी, भाई सही नहीं लगता यार। इसको बोलते बुली, बुली करना, साफ सीधी बात, इसको बोलते बुली करना, जो कि अनुराग भाई को कर रहे हैं। अब चाहे वीडियोस निकाल के, चाहे उसको समझा के, जो भाई जैसा वो है वो वैसे ही रहेगा भाई, वो जिस तरीके से गेम खेलेगा वैसे ही खेलेगा, चाहे बिग बॉस हो गया, चाहे सलमान भाई हो गए, वो उसको समझा रहे हैं, क्या पता उसको अच्छी भी चीज़ बोलते हो, मैं नहीं देख पा रहा, या फिर आप लोग देख पा रहे हो, बट उसमें से छोटी क्लिप निकाल के कि भाई सलमान ने डांट दिया, बिग बॉस ने डांट दिया, इसने खराब कर दिया, लड़की ने ये बोल दिया उल्टा, और जोकर का फेस लगा दिया, नॉट गुड भाई। हर जगह ना हर चीज़ में हर इंसान ने ना पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम इनकी जगह हो, कोई भी मतलब तो कैसा लगेगा। तो उससे ना बड़ी नेगेटिविटी फैलती भाई, उसकी भी फैमिली है यार, उसका भाई है, घर वाले हैं उसके, मम्मी पापा सब हैं, परेशान होते हैं भाई, बहुत चीज़ें होती हैं मजाक बनाने के लिए। इतना मत करो, उड़ा लो, इतना मत उड़ाओ, हर जगह वही चीज़ें भरी पड़ी हैं, अच्छी चीज़ नहीं है यार। और ये तुम सोच रहे हो ना कि भाई एलविस आ गया तरफदारी करने, ये करने, वो करने, वो बात नहीं है। अगर उसकी जगह कोई और भी होता, मैं वो सेम चीज़ बोलता भाई कि इतनी इतना मजाक मत उड़ाओ यार, इतनी बुराई मत करो भाई, इंसान ही तो है, गेम है, रियलिटी शो है, गेम है भाई, खत्म हो जाएगा वो एक दो तीन चार महीने जितने भी चलता हुआ है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद उसकी तो एक इमेज सेट कर दी ना कि जोकर 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 ये कर दिया ना, नॉट गुड यार। मैं जानता हूँ उसको पर्सनली भाई, जो पहले उसकी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी उसमें बड़ा डिप्रेस हो गया था, बाहर निकल के देखेगा ये सारी चीज़, उसकी फैमिली भी है, कितनी परेशान हो रही होगी यार, उसकी फैमिली के बारे में भी सोचो भाई। कौन है? ओ माय गॉड, हेलो पापा तो व्लॉग में एकदम एक्टिव हो गए हैं, कैसी लग रही है वाली हुडी? मस्त है, बिल्कुल तेरी तरह खासी, तेरी नजर ही मेरी बता रही है, पता नहीं क्या हो गया। आपने करी मेरे खासी बोला ना, मैं कह रहा हूँ एक हुडी देता हूँ मैं आपको, वो ट्राई मारो आप, बोला ना जरा मेरा और करवा दो तुम। मम्मी दूर भाग रही है, मैं कह रहा हूँ लार्ज वाली कहाँ है, इसकी डॉक्टर विक्रम वाली कहाँ है, दवाई वो लार्ज दूर। एक हुडी देता हूँ मैं आपको, एक हुडी पहनोगे लार्ज आएगी ना आपके, तो ये कौन सी है, मेरे एक्सल आती है, वो लार्ज का है। वंश तेरी वाली दिखाइए एक बार, अहिंसा परमो धर्म। हाँ अहिंसा परमो धर्म है, ये वाले दिखाते हैं। अरे बाप जय श्री राम, ले भाई श्री राम जी वाली पापा के लिए, ये मारो ट्राई। और अरे बाबा नाम ही राम धर रखे मैंने तो, नाम अवतार। यस अहिंसा परमो धर्म, और नीचे क्या है, धर्म हिंसा तदेव च। ओ ये ले भाई, इसे कंधे से ठीक करो एक बार, पीछे से दिखाओ ना भाई, ले तो फिर इसको थोड़ा नीचे करो, अब मारो फिट चेक, सीधा सामने से दिखाओ, आप फिटिंग बताओ पहले। फिटिंग तो ऐसा लग रही मेरे नाप की बड़ी हो जैसे आपके नाप की है, आपकी है
घूम के दिखा दो पीछे से। लो जी, वेरी नाइस भाई, दोनों हो गए इंसा और इंसा नहीं तो दोनों हो गए कृष्ण जी भगवान फिर पीछे। अच्छा राम जी और कृष्ण जी, ओके। हाँ ऐसे तो सारे भगवान है हमारे घर में, ए टू जेड। बढ़िया ना लग रही है, देखो उड़ी देख भी ना रही, नो कमेंट्स। मेरी दवाई ढूंढ रही है, रुक जा ना। इसने पहनो आज, इसने पहन के घूमो आप, बढ़िया लग रही कसम से। गाइस बहुत टाइम बाद आज हमारे बीच में आया मैं, हमारा भाई पहचाना, नाम नहीं बताऊंगा मैं, कमेंट करके बताओ भाई ये कौन है। कौन है भाई तू बता दे एक बार फिर से, वही बताना एक बार कौन है तू। अरे मैं संदेश भाई का भाई भाई का भाई, मैंने कह दिया तू भाई की बहन है। भाई अपना भाई है, वी आर कॉलेज मेट्स, हम लोग साथ में कॉलेज में थे। अरे भौंक लो ना और चींची कर लो कान में, चीची कर लो इधर बैठ के कान में। पता नहीं क्या एक ब्लॉगर प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल नेपाल से आ रखा भाई हमारा, भाई हमारा नेपाल से साथ में हम लोग, और चींची कर लो साइड, जो साइड में बैठा भाई नेपाल था, मेरी गैल कॉलेज में पढ़ा करता हंसराज में, हम इकट्ठे थे। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल देखा यार अपनी ज़िंदगी में ना। सही में नेपाल में कैसा चल रहा है भाई? बढ़िया है, ऐसे इंटरव्यू चल रहा है हमारा, बता दे नेपाल क्या बात होगी भाई, हमें भी हंसा दे जोक मार के, हंसाना पड़ा नेपाल में। सब बढ़िया है, वही तो है 10 to 5 कर रहे हैं जॉब किसी और। अच्छा जॉब यहाँ तो 9 to 5 होती है भाई, थोड़ा जल्दी चल लेते हैं। तो कहाँ लग रहा तू जॉब, जल्दी बता दे। बैंक में सिस्टम है भाई यार का, नेपाल में कौन सा बैंक है भाई? बहुत सारे हैं, मैं एवरेस्ट में लग रहा हूँ। भूपेंद्र जोगी, मैं यूएस में बहुत जगह गया हूँ, नाम क्या होता है भूपेंद्र जोगी। कौन से बैंक? एवरेस्ट। हमारे यहाँ तो एवरेस्ट के मसाले बनते हैं, तुम्हारे इनके बैंक खुल रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है भाई, ऑल द बेस्ट भाई को, आते रहना इंडिया, तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी आके पीछे यहाँ ताड़ा चाबी मैं बता दूँ कहाँ रख रखता हूँ, अपने आके यहाँ लौट जाना। वही तो ठीक है। हमारे साथ हमारे पप्पू भाई भी आ रखे हैं। पप्पू भाई क्या हाल है? बड़े भाई। पप्पू भाई भी हमारे कॉलेज मेट है, मतलब कॉलेज मेट तो नहीं बट हम कॉलेज के टाइम के दोस्त हैं। ये मेरे वे भाई हैं जो सोशल मीडिया पे आगे नहीं आते, मतलब व्लॉग वगैरह में बहुत कम दिखते होंगे, साल में 0 बार, 2 साल में 1 बार। ये भाई तो बहुत पहले दिखा हुआ, कितना पतला होगा तू यार, ये भी ठीक है मोटा ना हुआ, साढ़े सही होगा, तू पहले था मोटा, अभी हम वही बात कर रहे थे, एक दिन भाई दारू पी का फैल होगा था। मजाक कर रहा हूँ यो भी। चलो कोई ना भाई, हम तो इंजॉय कर लेते सारे भाई इकट्ठे बैठे, दामन भाई भी आ रखे हैं, तो लाइक कमेंट शेयर कर दे, करके दिखा दे बस शेयर शेयर उसका सही होगा भाई, हो गया यार अब करना शेर ना, शेर में शेर का मजा ना आया, तू करिए शेर भाई, तू करिए शेर ना, मजा ना आया, तू ही कर ले। अरे मैं ना वो शेर, उसने बुला के लाऊंगे, उसने बुला के लाऊं, शेर बैरागी रे भाई को शाउट आउट मैं तो शेर भाई को बुलाएंगे बहुत जल्दी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, ठीक है भाई, ओके भाई, राम राम।